अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप देखें ये वाली वीडियो, फिर करते हैं डिटेल से बात। हेलो वे प्रवान, क्या तुम पट्टी डॉक्टर हो? जी जी मोहतरमा, मैं पट्टी डॉक्टर हूँ। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वे तू मेरी की मदद करनी है? हाँ, मेरे को क्यों पूछना है? मेरा मतलब कि आप मेरे पास आई हैं, आपको कोई बीमारी है, कोई मसला है तो बताएं मुझे। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बाजी, मैं डॉक्टर हूँ, आपका शोहर नहीं हूँ, आप इस तरह कैसे बात कर सकती हैं मेरे साथ? हाँ है, मैं भूल गई। तो मेरे बिल्कुल जिना ना शोहर तरह लगता पैसे काम से मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। सो फ्रेंड, आपने ये कार्टून वाली वीडियो देख ली। ये वाली कार्टून की वीडियो मैंने एक मोबाइल सॉफ्टवेयर से बनाई है, फ्री में बनाई है। आपको मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आप करैक्टर को ऐड कर सकते हैं, किस तरह 2, 3, 5 जितने भी करैक्टर्स को आप ऐड करेंगे उसकी आप वॉइस ओवर अपनी आवाज़ में करेंगे। ये वाला सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डबिंग कर देगा उस करैक्टर के हिसाब से, उसको वॉइस चेंजर यानी कि वॉइस चेंज करके ना सेम उसी तरह जो इस तरह का छोटा सा करैक्टर होगा उस तरह की आवाज़ भी आएगी आपको। बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। फिर बताता चलूँ, आप इस तरह की वीडियोस क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं। देखें, मैं फिर बता रहा हूँ, कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, करैक्टर आप सेम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये 1 लाख लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सारे के सारे लोग ये वाले करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालनी है। आपने इसके बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, इसके डायलॉग चेंज कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट स्टोरीज बना सकते हैं, बच्चों की स्टोरीज बना सकते हैं, फनी स्टोरीज बना सकते हैं आप। यानी कि फिर बता रहा हूँ कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है? अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, किसी का कंटेंट चोरी ना करें, अपना खुद का बनाएं आप कंटेंट ना। अपना खुद का कंटेंट बनाएंगे, अपने करैक्टर का नाम खुद रखेंगे, अपने चैनल का नाम खुद रखेंगे, एंगेजिंग वीडियोस बनाएंगे, आपके चैनल मोनेटाइज भी होंगे और आप पैसा भी बनाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि फनी कार्टून की वीडियोस बहुत जल्दी वायरल होती हैं, या स्टोरीज की वीडियो किसी भी तरह की। आप इसमें मॉरल स्टोरीज भी बना सकते हैं, यानी कि आप अच्छे से डायलॉग बोले। मैंने तो बस अजीब से डायलॉग बोल दिए थे ना, आप अच्छे डायलॉग बोल के अच्छी स्टोरी भी बना सकते हैं। सो मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आप लोगों ने किस तरह अपनी मोबाइल को यूज़ करते हुए सिमिलर करैक्टर्स के साथ या कोई और करैक्टर आप चूज़ करना चाहिए, वो भी बताता हूं कि किस तरह आप चूज़ कर सकते हैं और बेहतरीन कार्टून की वीडियोस बना सकते हैं अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए। सो उससे भी पहले बताते चलो कि मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं 90s मेंटोर यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आपको रेगुलर ऑनलाइन एंटी स्किल्स के रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर कर लें कि आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और ये वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, तो आपने इसको थम्स अप ज़रूर देना है, ठीक हो गया जी? चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले इस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। इसका नाम है ट्विन कार्ट। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आपके सामने ये देखिए ऐप ओपन हो रही है। यहाँ पर ये देखिए क्रिएट योर ओन कार्टून वीडियोस। आप इसके ऊपर अपनी कार्टून वीडियोज़ बना सकते हैं, मूवीज़ बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ऐप है ये वाली, फिर बता रहा हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इस वीडियो के देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपके सामने ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी, आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो देन आपके सामने ये वाली स्क्रीन नज़र आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने वीडियो का स्टाइल चूज़ कर लेना है। अगर आप वर्टिकल वीडियो बनाना चाहते हैं, रील्स वगैरह, आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं तो ये वाला 16:9 यूज़ कीजिएगा। अगर आप फेसबुक के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं तो 1:1 कीजिएगा, ठीक है जी? मैं एनिमेटेड वीडियोस यहाँ पर 16:19 इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये मेरे पास नेक्स्ट विंडो को ओपन कर देगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें मुझसे पूछ रहा है कि चूज़ योर बैकग्राउंड। यहाँ पर ये देखिए कुछ फ्री के बैकग्राउंड है, कुछ प्रीमियम बैकग्राउंड है, ठीक हो गया जी? यहाँ पर ये देखिए जैसे बाय डिफ़ॉल्ट फ्री का बैकग्राउंड है, स्नो वाला भी फ्री में है, चर्च वाला, बीच वाला, यहाँ पर ये देखिए कैफ़े वाला, कैफेटेरिया इंटीरियर वाला फ्री में है, ग्रीन स्क्रीन वाला यहाँ पर पेड में है। यहाँ पर ये देखिए जिनके ऊपर स्टार बने हुए हैं ना, ये पेड में है, यानी कि आपको पैसे देना पड़ेगा फिर आपको ये बैकग्राउंड मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जिस तरह की मर्जी स्टोरी वीडियोस बना सकते हैं। हम यहाँ से कोई एक चूज़ कर लेते हैं जो फ्री वाला है, क्योंकि हमें तो आदत है फ्री में काम करने की। देखें, बहुत ज़बरदस्त ऐप है। अगर आपको ये ऐप अच्छी लगती है तो आप इसका पेड वर्जन भी ले लीजिएगा। मैं फ्री में यूज़ करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जो स्नो वाला बैकग्राउंड है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? हम मरी में चलते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करके मैंने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा, ये मुझसे पूछेगा कि कौन सा करैक्टर आप चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगेन जिसके ऊपर स्टार के बटन है वो पेड करैक्टर है, बाकी सारे के सारे फ्री हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्रिएट करैक्टर, यानी कि आप अपना करैक्टर खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। उसकी शक्ल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके कपड़े सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पेड वाला मेरे ख्याल में होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये पेड वाला फीचर है। हम फ्री वाला फीचर यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये देखिए निकी टिक टिक वाला हमने ऑलरेडी यूज़ किया था, डॉक्टर वाला हमने ऑलरेडी यूज़ किया था, डेडपूल वाला, उसके अलावा ब्लैकमैन, G2, उस पर स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर ये देखें मोदी का करैक्टर भी अवेलेबल है, यहाँ पर ओल्ड मैन का भी है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर देखिए शेख रशीद साहब भी हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं शेख रशीद साहब भी हैं, ये नज़र आए आपको। और उसके बाद इमरान खान आईके भी है। यहाँ पर बहुत मजे के करैक्टर्स हैं, आप अपनी मर्जी से इनको चूज कर सकते हैं। जो फ्री वाले हैं हम सिर्फ वही चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको फ्री भी मिलेंगे, पेड भी मिलेंगे। सो सबसे पहले मेरे ख्याल में हम शेख रशीद साहब को चूज करते हैं, उनके करैक्टर की डबिंग करते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसके ऊपर क्लिक किया, एक करैक्टर हो गया। अब मुझे दो करैक्टर चाहिए, एक करैक्टर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से एक डॉक्टर वाला करैक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये वाला करैक्टर, दो करैक्टर मैंने चूज कर लिए। अब ऊपर नेक्स्ट के बटन पे मैंने क्लिक करना है। जैसे मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, ये मुझे देखें इस स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा, हमें कोई भी पैसे नहीं देने। इसके ऊपर मैंने क्रॉस का बटन दबाया, ये देखें दोनों करैक्टर मेरे आ चुके हैं आमने सामने। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इस तरफ ले जाता हूँ और शेख रशीद साहब को उस तरफ ले जाता हूँ। सो आपको यहाँ पर ये देखिए, ये जो छोटा सा एरो का बटन नजर आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको पकड़ के इस तरफ ले जाना जिस तरफ आप लेके जाना चाहें, ठीक है। ये देखें इस तरफ ले गया। और शेख रशीद वाला यहाँ पर ये देखें बैली बटन वाला एरो मैंने पकड़ा और यहाँ पर देखें स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर इस तरफ ले गया। ये देखें मैंने इसको इस तरफ मुँह कर लिया, ठीक हो गया जी। इसको डॉक्टर साहब को थोड़ा सा आगे कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि पीछे मैंने बैठना है आपके सामने, ठीक होगा जी। आप इसको छोटा करना चाहें, आप इसको पकड़ के ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा करैक्टर को छोटा करना चाहिए ना, कर सकते हैं। शेख रशीद साहब छोटे लग रहे हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखें आप अपनी फिंगर से इनको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप इसको मूव भी कर सकते हैं जिस तरह करना चाहें, लेकिन शेख साहब आप सीधे रहे, ठीक होगा जी। इसको मैं शेख साहब को इधर खड़ा करता हूँ और डॉक्टर साहब को यहाँ पर, ठीक होगा जी। कितनी अमेजिंग ऐप है, अपनी मर्जी से जिधर मर्जी हिलाए जलाएं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब देखें शेख रशीद साहब के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट किया ना, जैसे मैंने इसके ऊपर टैप किया, नीचे देखें नीचे एक्सप्रेशन भी यहाँ पर आए, यानी कि हैप्पी के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए हैप्पी वाला एक्सप्रेशन आगे, नॉर्मल वाला एक्सप्रेशन, एंग्री वाला गुस्से वाला एक्सप्रेशन आने लगा। ये देख गुस्से वाला एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पर टग वार वाला, यहाँ पर ये देखिए टग वार वाला आ गया। उसके बाद देखिए आगे कौन सा है, ये देखिए लगता कुट पड़ी है। इसके अलावा देखिए शॉक्ड वाला, इसके अलावा देखिए फोन वाला, यहाँ पर देखिए स्लीपिंग वाला, सर एक्सप्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है जी। हम नॉर्मल वाला रखते हैं फिलहाल। इस तरह डॉक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके एक्सप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने डॉक्टर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए रोने वाला आ गया, ठीक है, नॉर्मल वाला आ गया, ठीक है, हैप्पी वाला आ गया, सर एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। अभी नॉर्मल वाला रखते हैं, ठीक हो गया जी। सो इस तरह आपने एक्सप्रेशन सेलेक्ट कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जी हम कन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट करते हैं, हम अपने डायलॉग बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया जी। उसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा हैप्पी वाला मेरे ख्याल में रख लेते हैं, ठीक है ना। हैप्पी वाले पे क्लिक किया, डॉक्टर साहब का हैप्पी वाले पे क्लिक किया, यहाँ पर छोटा सा माइक नजर आ रहा है आपको, आपने माइक के ऊपर जैसे क्लिक करना, जो डायलॉग आप बोलेंगे इसके अंदर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। उस हिसाब से हम कन्वर्सेशन करते हैं। सो हम दोनों के डायलॉग्स बोलते हैं और अच्छी सी एक वीडियो बनाते हैं आपके सामने लाइव। सो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के डायलॉग बोल लेते हैं। देखें उसके लिए क्या करना होगा, अपने माइक के बटन पर क्लिक करना है और साथ ही अपने पास लेके आना है, माइक अपने पास लेके आना, ताकि जो कुछ आप बोले उसके सेम एक्सप्रेशन उस कार्टून के हों। फॉर एग्जांपल अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हालचाल है, ठीक है ना, खुश हो। जब आप ये डायलॉग बोले आपने स्टॉप के बटन पर क्लिक करना है। आप देखें यहाँ पर ये देखें डायलॉग आपको नजर आ रहा है। आप इसको प्ले करके अभी भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं प्ले नहीं करूँगा, सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर ये देखें नीचे डायलॉग आ गया, आप देख रहे हैं डायलॉग नीचे आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हालचाल है, ठीक है ना, खुश हो। जैसे आपने ये डायलॉग बोल लिया, अब हम शेख साहब की तरफ चलते हैं। शेख साहब के ऊपर पहले क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखे हैप्पी वाले मोड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखे उनका हैप्पी वाला मोड हो गया ना, अब उनके बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम बोलना स्टार्ट करते हैं। भट्टी साहब दी ग्रेट, भट्टी साहब तुसी किधर घूम रहे हो, यहाँ पर मरी में किधर आ गए आप, इतनी गर्मी में किधर आ गए आप। जैसे मैंने स्टॉप के बटन पे क्लिक किया, अगेन मैंने सेव के बटन पे क्लिक कर देना। आप देखें यहाँ पर ये देखें नीचे स्लाइड्स बन रही ना छोटी छोटी, इस तरह स्लाइड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी हर एक सीन की। अब मैं दोबारा क्या नाम है इस डॉक्टर के ऊपर आता हूँ। डॉक्टर के ऊपर आकर यहाँ पर ये देखिए कोई और एक्सप्रेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। शॉक्ड वाला कर लीजिए, हाँ ठीक हो गया, शॉक्ड वाला कर लेते हैं। आप देखिए डायलॉग बोलते हैं हम, शेख साहब किधर देखें जी, जून जुलाई में भी यहाँ पर बर्फ पड़ रही है, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं मरी में। स्टॉप के बटन पर क्लिक किया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, सेव के बटन पर क्लिक कर दिया, देखिए तीसरी स्लाइड होगी। अब हम शेख साहब के डायलॉग बोलते हैं, शेख साहब के मोड को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें सैड वाला मोड कर लेते हैं। आप देखें अब मैं बताता हूँ, बस यार क्या करें, मुल्क के हालात बहुत ही गर्म थे, मैंने सोचा मरी में आके थोड़ी सी ठंड कर ली जाए। हम नेक्स्ट डायलॉग बोलते हैं, इसमें थोड़े से एक्सप्रेशन मैंने चेंज कर लिए हैं। आप देखते हैं शेख साहब बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, पाकिस्तान खपे ठीक हो गया जी, मैंने बस कन्वर्सेशन खत्म की, आपको सिर्फ समझाना मकसद था कि इस तरह हमने कन्वर्सेशन सारी कंप्लीट कर लेनी है। जैसे कि डायलॉग मैंने बोल दिए, जैसे भी बोले आपके सामने। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि प्ले करके आपके सामने किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। मैं प्ले करता हूँ, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है ना, खुश हो? पट्टी साहब दी ग्रेट। पट्टी साहब तुसी किधर घूम रहे हो? यहाँ पर मरी में किधर आ गए आप? इतनी गर्मी में किधर आ गए आप? शेख साहब किधर देखें जी, जून जुलाई में भी यहाँ पर बर्फ पड़ रही है। आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं मरी में? बस यार क्या करे, मुल्क के हालात बहुत ही गर्म थे, मैंने सोचा मरी में आके थोड़ी सी ठंड कर ली जाए। शेख साहब बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। सो फ्रेंड्स, देखा कितने अमेजिंग स्टाइल में आपके सामने वीडियो रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन जो नज़र आ रहा है ना, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर ये लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपसे आपका अकाउंट मांगेगा। आप फेसबुक कर लीजिए, कंटिन्यू विद फेसबुक कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पर ये देखिए पोस्ट ऑन ट्विन कार्ट, आपने इसके ऊपर ख़त्म कर देना है, अनचेक कर दीजिएगा और एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगेन बता रहा हूँ, ये हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे थे। फ्री वर्जन में आपको नुकसान सिर्फ ये होता है कि वाटरमार्क वगैरह आ जाता है, वो आप खुद देख लीजिएगा किस तरह आपने इस मसले का हल निकालना है। मेरे ख्याल में अगर आप वाकई में यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, इस तरह की स्टोरी वीडियोज़, डायलॉग वाली वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, कार्टून की वीडियोज़ बनाना चाहते हैं जो कि एनिमेटेड होती हैं, 2D होती हैं, तो आपके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ पर हर किस्म की ऑप्शंस मिलने वाली हैं। सो आप देख लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। सो फ्रेंड्स, एन अमेजिंग, अपने मोबाइल को यूज़ कीजिए, सिंपल सी ये वाली ऐप इंस्टॉल कीजिए, बेहतरीन सी कार्टून की वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाएं, इंगेजमेंट बढ़ाएं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं, व्यूज़ बढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग भी कीजिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, सो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल 90s मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।